छह साल बाद तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया में लौट रहा है भारत का मिचेल स्टार्क। खत्म हुआ इंतजार, पिछले छह सालों से तरस रहा था वनडे में वापसी के लिए। कोहली के राज में डेब्यू मैच खेला खरी, फेंक दिया था टीम से बाहर। अब शर्मनाक हार के बाद रोहित को आई अपने चेले की याद। आखिरी मैच में वापसी तय, गौतम गंभीर भी हुए खुश। अगर कहीं चल गया तो अकेले कर देगा पूरी लंका दहन। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन सा वो खिलाड़ी है जो आखिर में छह साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने जा रहा है और जिसके आने से टीम इंडिया के खिलाड़ी खुश हैं और कोच गौतम गंभीर भी खुशी से झूमे उठे हैं, क्योंकि वो गेंदबाज आएगा तो पूरी लंका दहन करेगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया इस समय श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इससे पहले टीम इंडिया ने T20 सीरीज खेली थी जिसको टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। लेकिन जब बात वनडे सीरीज की आई तो यहाँ पर भारतीय टीम की गाड़ी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आई। पहला मुकाबला कोलंबो में खेला गया, उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 230 बनाए, टीम इंडिया ने भी 230 बनाए और मैच टाई रहा। पहला मैच टाई रहा यानी कि कोई भी सीरीज में बढ़त नहीं थी। सेकंड मुकाबले में सबको लग रहा था कि टीम इंडिया श्रीलंका को हराएगी और 1-0 की बढ़त बनाएगी, लेकिन हर कोई चौंक गया जब यहां पर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 बनाए और उसके जवाब में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई तो मैच में भारतीय टीम बुरी तरीके से फ्लॉप रही। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 42.2 ओवर्स में केवल 208 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए ये शर्मनाक हार थी, क्योंकि टीम इंडिया उन टीमों में से है जो कि भारतीय टीम एक मजबूत टीम मानी जाती है वनडे की, और श्रीलंका जैसी टीम जो कि काफी कमजोर टीम मानी जाती है उसको तो भारतीय टीम आसानी से हरा सकती थी, पर दूसरे वनडे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन दूसरे वनडे में बल्लेबाजी तो खराब हुई हुई लेकिन गेंदबाजी भी कहीं अच्छी नहीं हुई। खासकर हरसिदीप सिंह जिन्होंने पिछला मुकाबला हराया था, उन्होंने इस मुकाबले में दोस्तों 9 ओवर्स में 58 रन खर्चे, वो भी 6.4 की इकोनॉमी रेट से, और एक भी विकेट नहीं चटकाया, जो दिखाता है कि हरसिदीप सिंह पूरी तरीके से फ्लॉप है। ऐसे में अब यहां पर तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में एक ऐसे खिलाड़ी की वापसी होने जा रही है जो 6 साल बाद टीम इंडिया में आने जा रहा है, और उस खिलाड़ी का यहां पर दोस्तों आने से टीम इंडिया को फायदा भी होगा। दरअसल 7 अगस्त से कोलंबो में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ चौथा मुकाबला खेलेगी। तीसरे मुकाबले में यहां पर दोस्तों जब भारतीय टीम उतरेगी तो उसकी टीम में एक और खिलाड़ी की एंट्री होगी और वो खिलाड़ी होंगे खलील अहमद। खलील अहमद को टीम इंडिया ने अपनी बेंच में रखा हुआ है, लेकिन खलील अहमद ने पिछला जो ओडीआई मैच खेला था वो 6 साल पहले 2019 में खेला था। ऐसे में अब उनको यहाँ पर फिर से टीम इंडिया मौका देने जा रही है, जिससे भारतीय टीम उनको मौका देकर ये प्रूफ कर देगी कि हरसिदीप सिंह से भी अच्छे गेंदबाज हमारे पास हैं। हरसिदीप सिंह भी लेफ्ट हैंडर है और खलील अहमद भी लेफ्ट हैंडर है, और इसी वजह से दोस्तों हरसिदीप सिंह को टीम इंडिया ड्रॉप करेगी और तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में टीम इंडिया खलील अहमद को मौका देगी। और अगर टीम इंडिया ये मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी, मगर कहीं अगर ये मुकाबला भारतीय टीम हार जाएगी तो श्रीलंका जैसी टीम से भारतीय टीम एक वनडे सीरीज हार जाएगी, जो कि एक बहुत शर्मनाक बात है। आप इस पर क्या राय, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।